नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। लॉकडाउन में ढील के साथ दिल्ली समेत कई राज्यों में शराब की दुकानों के बाहर जुटे सैकड़ों लोग। सरकार द्वारा लॉकडाउन के प्रतिबंधों में दी गई ढील के सोमवार से लागू होने के साथ दिल्ली, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक समेत कई इलाकों में शराब की दुकानों के बाहर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए, जिसकी तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई है। इस दौरान लोग कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के उल्लंघन तो कई लाइन में लगकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे। एनडीएमसी ने कोविड-19 से लड़ाई में अपने कर्मियों की मौत पर 15 लाख देने की घोषणा। नई दिल्ली महानगर पालिका परिषद ने कोविड-19 महामारी से लड़ रहे अपने किसी भी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार को ₹15 लाख देने की घोषणा की है। यह मुआवजा नियमित और बाह्य कर्मचारियों सहित अनुबंधित कर्मचारियों सभी के लिए होगा। एनडीएमसी ने कहा है कि कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने के लिए सभी एहतियात बरती जा रही है। एमपी के गांव में लगा मुस्लिम व्यापारियों का प्रवेश निषेध है, लिखा पोस्टर, केस दर्ज। इंदौर स्थित एक गांव में मुस्लिम व्यापारियों का गांव में प्रवेश निषेध है, लिखा पोस्टर लगाया। जाने का मामला सामने आया है। पोस्टर में लिखा था कि यह निर्देश पेमलपुर गांव के निवासियों की ओर से है। पुलिस ने बताया कि जानकारी मिलते ही पोस्टर हटा दिया गया और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।